हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 मार्केटिंग और मार्केट का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट और वाई एम सी इज नोन एज सप्लाई कर्व पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का मार्केटिंग और मार्केट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिकली आपका चैप्टर 11 कवर करता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट एंड वाई एम सी इज नोन एज सप्लाई कर्व। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग का मार्केटिंग या फिर मार्केट आप कह सकते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। डैट मीन्स हम लोग ये कुछ दिनों में 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, और वो है चैप्टर 6, 9, 10 एंड 11 विच कवर्स होल मार्केट और मार्केटिंग ऑफ योर आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कवर्स 30-40 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। तो आप लोग ये अच्छे से पढ़िएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोग को इससे इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स या फिर वो नोट्स चाहिए जो आईएससी में आता है, तो वो मैंने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप लोग को इसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स का या फिर क्या बोलते हैं जेई नेट या कोई भी एग्जामिनेशन का आप लोग को इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 में जा कर के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11 एमसीक्यू, 12 एमसीक्यू करके जेई नेट ऐसे करके सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप और काफ़ी आप लोग ने कमेंट करके पूछा है कि आप लोग को मेरे बाकी वीडियोज़ नहीं मिल रहे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट पर सर्च कीजिए आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12, सेम फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑल्सो, तो आप लोग को मिल जाएगा। और या फिर आप लोग एंड स्क्रीन में जा कर के भी देख सकते हैं, तो उधर मैंने आप लोग को रीसेंट वीडियो और प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, या फिर आप लोग आई बटन में भी देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट एंड वाई एम सी इज नोन एज सप्लाई कर्व। तो ये देखिए, आप लोग को यहाँ पे दो डायग्राम देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आप खाली ये पहला डायग्राम को देखिए। यहाँ पे देखिए, हम लोग का जो कॉस्ट, प्राइस और रेवेन्यू है वो हम लोग वर्टिकली मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी हम लोग हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं, और ये हम लोग का प्राइस है OP1, OP2, OP3, OP4, ये सब हम लोग का प्राइस है, और Q1, Q2, Q3, Q4 ये हम लोग का क्वांटिटी है। अब प्राइस P1 के लिए हम लोग को क्वांटिटी कितना मिल रहा है, Q1 मिल रहा है, P2 के लिए हम लोग को क्वांटिटी मिल रहा है Q2, P3 के लिए क्वांटिटी मिल रहा है Q3, P4 के लिए हम लोग को क्वांटिटी मिल रहा है Q4, एंड इन लोग का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब P1 और Q1 के लिए इन लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, P2 एंड Q2 के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2, P3 एंड Q3 के लिए हम लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है E3, एंड P4 एंड Q4 के लिए हम लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है E4। नाउ इट इज़ द पॉइंट वेयर द फर्म्स इनकर्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉसेस। इट इज़ द पॉइंट एट मिनिमम AC अबव विच द फर्म विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड द फर्म विल इनकर सुपर नॉर्मल लॉसेस बिलो इट। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो फर्म है, यहाँ पे फर्म ना ही प्रॉफिट इनकर करेगा ना ही लॉस इनकर करेगा। मतलब क्या इनकर करेगा, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना सुपर नॉर्मल लॉसेस। और इस पॉइंट में हम लोग का जो मिनिमम AC है वो अबव है, किसके अबव है, इट इज़ द पॉइंट एट मिनिमम AC अबव विच द फर्म विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड द फर्म विल इनकर सुपर नॉर्मल लॉसेस बिलो इट। और ये मिनिमम पॉइंट AC पे है, क्योंकि इसके ऊपर फर्म, ये मिनिमम पॉइंट AC पे, AC हम लोग का कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग का मिनिमम पॉइंट है E3। तो इसके ऊपर, मतलब अगर E4 में जाएगा तो हम लोग का जो फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इनकर करेगा, और अगर E3 के नीचे जाएगा, मतलब E2 या E1 में अगर वो करेगा, तो क्या इनकर करेगा, सुपर नॉर्मल लॉसेस फर्म इनकर करेगा। फ्रॉम द अबव डायग्राम, पहला वाला डायग्राम, एट प्राइस OP3 द फर्म अर्न्स AC इक्वल टू AR3 एट क्वांटिटी OQ3, एंड वी नो दैट व्हेन फर्म AC इक्वल्स टू AR देन